शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसलिए मैं कह रहा था कि उसका उसका कोई इलाज है, कुछ कर सकते हैं? नहीं बेटा, इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि कैंसर फैल चुका है। ऐसे कैसे कोई इलाज नहीं, कोई तो इलाज होगा। आप डॉक्टर हैं, आप कुछ कीजिए ना, हमारी माँ को ठीक कर दीजिए ना, कुछ तो कीजिए। हम भानुताओ जी के सामने भी एक मांगेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम दादाजी से बात करेंगे, वो हमारी बात मानेंगे। हम कैसे भी करके हमारी माँ को ठीक करेंगे, हम उनको बड़े से बड़े अस्पताल लेकर जाएंगे, हम उन्हें मैरी कर लेकर जाएंगे, उधर उधर ठीक करवाएंगे उन्हें, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, अब तुम्हारी माँ के पास बहुत कम समय बचा है, संभालो खुद को है? और जो कुछ आखिरी के चंद दिन बचे हुए हैं उन्हें आरामदेह बनाओ, उन्हें किसी हिल स्टेशन पर लेकर जाओ, हो सकता है कि वहाँ पर उनकी तबीयत में कुछ आराम मिले और वो कुछ और महीने जी जाए, है ना? और अभी तुम कह रही थी ना कि तुम अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती हो, फिर तुम तो बहादुर बच्ची हो, हिम्मत रखो बेटा। माँ का ध्यान रखते, अच्छे से रखते, लेकिन लेकिन वो ठीक हो जाएंगी ना डॉक्टर अंकल? आप ये बात किसी को मत बताइएगा, माँ पापा किसी को भी ये बात मत बताइएगा। ये बहुत बड़ी बात है, किसी को तो बताना होगा ना। ये बात बाबा को पता चल गई ना तो वो पूरी तरीके से टूट जाएंगे। हम चाहते कि माँ जितने दिन है हम उन्हें खुश रखे, उन्हें कुछ ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप उनसे वादा कीजिए, आप किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ख्याल रखना माँ का अपने। सुबह सुबह बिना खाए पिए फिर बाहर चली गई ना तुम, दूध का ग्लास लेकर पूरे मोहल्ले में ढूंढ रहे थे तुम्हें। क्या हुआ श्रवणी, नींद नहीं आ रही क्या, दर्द हो रहा है क्या? तुमसे कितनी बार तो कहे हैं कि श्रवणी बिना बिना चप्पल के बाहर मत जाओ, पर किसी की मानती कहाँ है ये लड़की। हम हिम्मत नहीं हार सकते, हमें माँ का ख्याल रखना होगा और उनके सामने हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। केशव भैया कहाँ रह गए? प्रीति, प्रीति आखिर ऐसा क्या कर दिया हमने, तुम हमसे बात का ही नहीं कर रही हो। हम झूठे लोगों से बात नहीं करते हैं। हमने तुमसे कहा झूठ बोला? तुमने हमसे लगातार झूठ ही बोला है बीना। कैसा झूठ? यही कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता। पर यही सच है। अच्छा, मतलब हमारे बाबा झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, हमको तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि हमारी सहेली हमारी बात पे भरोसा ना करके उस पाखंडी बाबा पे भरोसा कर रही है। बीना, खबरदार अगर बाबा के बारे में कुछ भी कहा तो, हमें उन पर पूरा विश्वास है। आज हमें एहसास हो रहा है कि हमारे पति तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही बोलते थे, कि तुम्हारी जैसी औरतें ना दूसरों की खुशियों से जलती हैं। पता है बीना, तुम्हारे इसी रवैये की वजह से ना बेचारा तुम्हारा पति तुमसे कटा कटा सा रहता है। प्रीति, हमने तुमसे अपने मन की सारी बातें कही और तुम हमसे ऐसे बात कर रही हो। शायद तुम भी अपने पति की तरह ही हो, जो बिना किसी को जाने किसी के लिए कोई भी राय रख लेते हैं। खबरदार अगर हमारे पति के बारे में एक शब्द और कहा तो। और हाँ, आज के बाद हमसे बात करने की कोशिश भी मत करना। बिना भाभी। हाँ केशव भैया। बिना भाभी चलिए, गाड़ी आ गई है। हवा भाभी, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है ना। नेत्रा कहाँ है? भाभी वो गाड़ी में बैठी हुई है, आइए। चलिए।
श्रवणी तो यही है क्या बेटा? हाँ माँ। तुम्हारी माँ को ब्लड कैंसर है, इसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हारी माँ के पास बहुत कम समय बचा है। हमने कहा था ना, हम एकदम ठीक ठाक लौट आएंगे मंदिर से। लो आ गए। क्या हो गया बेटा? हमारी चिंता हो रही थी क्या? नहीं माँ। अच्छा, माँ को दिखाई नहीं देता तो माँ से झूठ बोलोगी? हम ठीक है बेटा, बेकार ही चिंता कर रही थी, जैसे पता नहीं हमें क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आपको, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। ये कहाँ? आजकल नौकर लोग सफाई फाई करते हैं, पता नहीं कहाँ पड़ा रहता है। तो कुछ अस्पताल का पर्चा लग रहा है। अरे शमू बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी माँ की रिपोर्ट्स आ गई है? हाँ, ये अस्पताल से आया है। बहुरिया जरा देखो क्या है इसमें। हे भगवान, ताईजी रिपोर्ट ना पढ़ ले, माँ बाबा को पता नहीं चलना चाहिए बीमारी का। जाने दीजिए ना, क्या करेंगे आप इसको पढ़कर? कोई फायदा नहीं है, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। मतलब कि माँ ने फालतू पैसे और अपना खून खर्च किया। डॉक्टर अंकल तो हमें पहले ही बता दिए थे कि इनको बस कमजोरी है, इनको वक्त पर खाना पीना देना होगा और बस आराम की जरूरत है। और हाँ, उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी थी, वो हम जाकर ले आएंगे। हाँ बेटा, हम तो बहुत ज्यादा डर गए थे। चलो भगवान का शुक्र है कि नेत्रा की तबीयत ठीक है। नेत्रा जी, अपना ध्यान रखा करो भाई, सब कितना परेशान हो गए। जी भैया, हम आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक। माँ, से हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। लाखों में एक बिटिया है हमारी, भला हमें क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता हमें। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।